For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. सलमान खान स्टारर रेस 3 इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने में अभी भी काफी समय है, लेकिन अभी से ही मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर तरफ रेस ही रेस छाई हुई है। वैसे तो हर दिन इस फिल्म से जुड़ी कोई ना खबर मीडिया पर या इंटरनेट तक अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, लेकिन इस बार खुद सलमान खान ने ट्वीट कर रेस 3 से उनके फर्स्ट लुक को किया अनवील। जी हाँ, अपने सुपर स्टाइलिश फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए सलमान ने ये भी लिखा, इस हफ्ते मिलता हूँ #race3 की फैमिली से। मेरा नाम है सिकंदर, सेल्फलेस ओवर सेल्फिश #race3 दिस ईद। लगता है सिकंदर से ये धमाकेदार मुलाकात काफी नहीं थी, तभी तो उनके race3 फैमिली से मिलना का यूं बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अगर आपको पता ना हो तो बता दे, रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही ये एक्शन थ्रिलर इस साल ईद यानी 15 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय हैं? हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। रेस 3 से सलमान के फर्स्ट लुक का हैंगओवर अभी उतरा भी नहीं था कि इस फिल्म से एक और पोस्टर को किया गया रिलीज, पर इस बार इसमें सलमान नहीं बल्कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी जैकलिन फर्नांडिस दिखाई दी। जी हाँ, रेस 3 से जैकलिन फर्नांडिस के फर्स्ट लुक को किया गया अनवेल, जहां जैकी एक फियर्स येट ग्लैमरस अवतार में बंदूक ताने दिखाई दी। बता दें, इस फर्स्ट लुक को शेयर करते वक्त सलमान ने इसे कैप्शन दिया, जेसिका रॉ पावर #race3 दिस ईद। वैसे इन दोनों फर्स्ट लुक्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रेस 3 एक ग्लैमरस येट फियर्स अफेयर होने जा रही है। अब बात करते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म इस साल की बिगेस्ट रिलीजेस में से एक होने जा रही है, जिसे सलमान के फेवरेट टाइम स्लॉट यानी कि इस साल ईद पर रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों, सिकंदर के बाद अब जेसिका के बारे में आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। वैसे तो सलमान खान कमिटमेंट कर किसी और की नहीं सुनने के लिए मशहूर हैं, और अब एक बार फिर अपने कमिटमेंट के मुताबिक सलमान लाए हैं रेस 3 के दूसरे सदस्य का फर्स्ट लुक। वेल, इस हफ्ते की शुरुआत ही बेहतरीन हुई थी जब सलमान ने रेस 3 से अपने फर्स्ट लुक को रिवील करते हुए रेस 3 फैमिली के दूसरे सदस्य से भी मिलवाने का वादा किया, जिसके बाद सलमान ने जेसिका बनी जैकलिन से दर्शकों को रूबरू करवाया। और अब इस फिल्म से बॉबी देओल के फर्स्ट लुक को भी किया गया रिवील। जी हाँ, और इस फर्स्ट लुक को रिवील करते हुए सलमान ने उसे कैप्शन दिया, यश द मेन मैन #race3 दिस ईद। वैसे पिछले कुछ सालों से बॉबी देओल के लाइट हार्टेड कॉमेडी अवतार को देखने के बाद उन्हें इस टशनदार अवतार में देखना वाकई दिलचस्प रहा। हाथ में गन और चेहरे पर गुस्सा लिए यश ने तो दस्तक दे दिया है, लेकिन क्या आप उनके स्वागत के लिए हैं तैयार, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। रेस 3 अपने 3 बैक टू बैक पोस्टर रिलीजेस के चलते इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। वादे के मुताबिक इस पूरे हफ्ते सलमान एक एक कर अपने रेस 3 फैमिली से दर्शकों को रूबरू करवाते आए हैं, और अब अपने रेस 3 परिवार के एक और सदस्य से मिलवाते हुए सलमान ने इस दिन इस फिल्म से डेजी शाह के फर्स्ट लुक को किया अनवील। बता दें, इस दिन डेजी के इस फर्स्ट लुक को शेयर करते हुए सलमान ने ट्वीट किया, सिजलिंग संजना वेटिंग टू एक्सप्लोड #race3 दिस ईद। यानी सिकंदर, सलमान, जेसिका, जैकलीन और यश बॉबी के बाद अब संजना डेजी ने भी मचाया इंटरनेट पर अफरा तफरी। वैसे डेजी को हाथ में गन लिए इस फर्स्ट लुक में एक फियर्स येट सुपर स्टाइलिश अवतार में देखना रहा वाकई में दिलचस्प। बात करते हैं इस फिल्म की, रेमो डिसूजा के निर्देशन में बन रही ये एक्शन थ्रिलर स्टारडम और ग्लैमर की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने जा रही है, जहाँ सलमान खान, अनिल कपूर, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह और सकीब सलीम मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।
मैं हूँ मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।